समनक जनता पार्टी का विभिन्न मांगों को लेकर राज्यव्यापी रास्ता रोको आंदोलन। नांदेड़ के भोकरपाटा महामार्ग पर समनक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया रास्ता रोको आंदोलन। महाराष्ट्र सरकार सरकारी स्कूलों का अब निजीकरण करने जा रही है, वैसा प्रस्ताव भी सरकार ने मंजूर किया है। निजी कंपनियों के माध्यम से अब सरकार नौकर भर्ती भी करना चाहती है। इसी निर्णय के खिलाफ समनक जनता पार्टी अब रास्ते पे उतरी है। समनक जनता पार्टी ने समूचे महाराष्ट्र के हर एक जिले में इस प्रकार का रास्ता रोको आंदोलन किया है। आज 26 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में समनक जनता पार्टी की ओर से महाराष्ट्र शासन के जो हुकूमत चल रही है इस राज्य में और केंद्र में भी, तो उसका निषेध व्यक्त करने के लिए और सरकार के निदर्शन को लाने के लिए समनक जनता पार्टी की ओर से आज नांदेड़ जिले के अंदर भोकर फाटा पर हाईवे के ऊपर राज्यव्यापी रास्ता रोको आंदोलन हमने की है और पूरी पार्टी के सदस्य और पदाधिकारी मिलकर आज हमने यहां पर रास्ता रोको के रूप में ये जन आंदोलन छेड़ा है। तो इसकी मांगे ये है हमारे आज के रास्ता रोको में, सरकारी जो स्कूल है वो कारपोरेट को, जो प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर है, गुत्तेदार जो है, कॉन्ट्रैक्टर जो है, उद्योगपति जो है, उनको देने का इरादा और जीआर यहां पर पारित हुआ है और ये जो जीआर है ये जीआर रद्द करना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्योंकि छोटे बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन मिलना चाहिए, ये 19 और धारा 21 के तौर मिलना चाहिए, संविधान में लिखा हुआ अधिकार है, तो भी हमारे बच्चों का अधिकार ये सरकार छीन रही है। यह देखकर हमें बहुत बुरा लगा। हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम इनको उनकी कलम रोक नहीं सकते, क्योंकि एक बार हमने इनको चुन कर दिया है और ये मनमानी कर रहे हैं, ये हुकूमत चला रहे हैं, जैसे अंग्रेज सरकार थी उससे भी ज्यादा हुकूमत इनकी चल रही है इस देश में। भारत देश में मुगल आई, पुर्तगाल आए, डच आए, अंग्रेज आए, 750 साल यहाँ पर राज्य हुआ, लेकिन इतनी हमारी जो शिक्षा प्रणाली या शिक्षा किसी ने छीनी नहीं थी। अंग्रेज सरकार भी अलग अलग विश्वविद्यालय यहाँ पर खोले थे, अलग अलग स्कूल खोले थे और बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां पर स्कूल का निर्माण उन्होंने किया था, लेकिन आज 75 साल में अलग अलग स्कूल खोले गए, लेकिन आज की ये सरकार ये स्कूल बंद करके प्राइवेट सेक्टर को दे रही है, इसलिए ये पहली मांग है। ये मांग हमारी पूरी होनी चाहिए और ये जो काला कायदा है, ये काला कानून है, ये रद्द होना चाहिए। दूसरी मांग है प्राइवेट कंपनी को और कंपनी की ओर से सरकारी नौकर भर्ती का निर्णय हो चुका है। अब प्राइवेट कंपनियां जब हमें भरेगी, सरकार के काम करने वाले सरकारी कर्मियों को भरेंगे, तो उनकी हुकूमत वहां पर चलेगी, हमें डीए नहीं मिलेगा, हमें आयोग नहीं लगेगा, हमें कोई प्रकार की महंगाई का भत्ता नहीं मिलेगा और हम किसी तरह के सरकारी कर्मी नहीं रहेंगे, ये अधिकार भी छीनना चाहते हैं। यूपीएससी परीक्षा जो है हमारी लोक सेवा आयोग की ओर से ली जाती थी और ये संविधान में लिखा हुआ हमारा अधिकार था, लेकिन वो भी छीना जा रहा है और एक समिति एक समिति कमेटी है इनकी, सरकार के कुछ लोग बैठेंगे और ओरल एग्जाम लेकर उनके अनुरूप यहाँ पर आईएएस दर्जे के लोगों को लिए जाएंगे, उनकी भर्ती करेंगे और ये करना चालू हुआ है। अब ऐसा जब होगा तो गरीब क्षेत्री किसानों के बच्चे आईएएस नहीं बनेंगे, आईपीएस नहीं बनेंगे, आरएएस नहीं बनेंगे, बड़े सुपर क्लास वन अधिकारी नहीं बनेंगे और ये उनकी कट कारस्थान है। ये भी जो हुकूमत चल रही है आईएएस लेवल की दर्जे की नियुक्ति, ये भी रद्द होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण एक मांग है बंधुओं भाइयों, आमदार और खासदार एमएलए और एमपी की पेंशन चालू है, इनकी पेंशन दुगुना बढ़ रही है। एक बार पहली बार आमदार बना एक बार पेंशन, दूसरी बार बना दूसरी बार, खासदार बना एक बार पेंशन, दूसरी बार बना दूसरी बार पेंशन, दो दो पेंशन इनको लग रही है। महंगाई भत्ता इनको डीए बढ़ाया जा रहा है और सारे प्रकार के भत्ते इनको दिए जा रहे हैं और हमारे अध्यापक दिन रात मेहनत करते हैं, यहाँ नागरिक आदर्श नागरिक बना रहे हैं, उनकी ओर से आदर्श नागरिक बनता है,
सैनिक बनते हैं, अफसर बनते हैं, आईएएस कलेक्टर जैसे अधिकारी बनते हैं उनके हाथों से, और चुनाव के दिनों में इनकी ड्यूटियां लगाई जाती है। कर्म हमारे अध्यापक लोग चुनाव के दिनों में यहाँ वहां जाकर अलग अलग जगह पर गांव गांव में जाकर रहकर इनकी ड्यूटी करते हैं। लोक जन जागृति का, लोक गिनती का कार्यक्रम भी इनके द्वारा होता है, तो सब काम इनकी ओर से किया जा रहा है और इनको पगार, इनकी पेंशन रोकी जा रही है। ये भी काला कायदा रद्द होना चाहिए। धीमी पेंशन सभी कर्मियों को लगनी चाहिए। अध्यापकों को जो अंशदायी अध्यापक है, कुछ दिन उनको अनुदान मिला, बीच में नहीं मिला। 2005 के पहले के टीचरों को भी पेंशन नहीं मिल रही है, वो भी मिलनी चाहिए। और इस देश का पोशिंदा किसान है, किसान हमें खाना खिला रहा है, हमें ज्वारी पैदा करके देता है, गेहूं पैदा करके देता है, चावल पैदा करके देता है, और हम खाकर बड़े हो रहे हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। उनके माल का भाव कम किया जा रहा है, हमें भाव दिया नहीं जा रहा है, इसलिए किसानों को भी पेंशन देनी चाहिए। ये चार मांगे लेकर समनक जनता पार्टी आज 26 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में यह रास्ता रोको आंदोलन किया है। हमारे डॉक्टर कालापाड़ सर प्रांत अध्यक्ष है, मैं जिला अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर आज हमारे सारे साथियों को लेकर सरकार को जगाने के लिए, सरकार को नींद में से उनकी नींद उड़ाने के लिए एक संविधान के तौर पर शांतता के मार्ग से हमने यहाँ पर रास्ता रोको किया है। धन्यवाद।